लोकसभा चुनाव के पहले नर्मदा न्यास के अध्यक्ष बनाए गए कंप्यूटर बाबा ने मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा मौजूद रहे। कंप्यूटर बाबा ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि नर्मदा की रक्षा के लिए नर्मदा युवा सेना का गठन किया जाएगा। वहीं बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अनुशंसा पर नर्मदा युवा सेना का अध्यक्ष श्री प्रवेश अग्रवाल को मनोनीत किया। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को नर्मदा मंदाकिनी और शिप्रा नदी न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बाबा ने नर्मदा शिप्रा और मंदाकिनी में हो रहे अवैध उत्खनन के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया। इस नंबर पर शिकायत हो सकेगी। वहीं मीडिया से चर्चा में बाबा ने कहा कि नर्मदा तट के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने और नर्मदा को सुरक्षित करने के लिए संत समाज मेरे साथ लगा रहेगा। उन्होंने नर्मदा के निरीक्षण के लिए दिग्विजय सिंह से हेलीकॉप्टर की मांग भी की। उनका कहना है कि अगर काम जल्दी करना है तो हेलीकॉप्टर से देखना पड़ेगा कि कहां कहां गंदगी है और कहां कहां काम करने की जरूरत है। कंप्यूटर बाबा ने कहा, नदियों के संरक्षण को लेकर सुझावों के आधार पर कार्य करूंगा, अवैध रेत उत्खनन को रोकूंगा। पदभार ग्रहण करने के बाद कंप्यूटर बाबा ने घोषणा की कि नर्मदा संरक्षण के लिए नर्मदा युवा सेना का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष प्रवेश कुमार अग्रवाल को बनाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने माँ नर्मदा कैसे बचे, माँ छिप्रा, माँ मंदाकिनी, सहायक नदियाँ, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहल की, आज नदी न्यास का कार्यभार संभालने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे धर्मस्य मंत्री पीसी शर्मा जी के साथ आज पदभार ग्रहण किया। माँ नर्मदा जीवनदायिनी माँ है और हजारों हजारों साल पुरानी नर्मदा नदी है, जो एक आस्था का केंद्र है। इनमें बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग सरों भरते हैं और नर्मदा की परिक्रमा सभी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने नर्मदा को बचाने के लिए, नर्मदा की आस्था बची रहे और इसके लिए नर्मदा के दोनों तट जो हैं उसमें पेड़ पौधा लगाना और परिक्रमावासी जो हैं चलें, उनको सुख सुविधा मिल सके, उनको कोई असुविधा ना हो, उसकी तैयारी के लिए भी ये न्यास की व्यवस्था की है। और उसके लिए हम लोग बिल्कुल पूरे तन मन से और पूरे संत समाज मिलकर के इस काम को करेंगे। केवल कंप्यूटर बाबा नहीं, पूरा मध्य प्रदेश का संत समाज उस पर लगा रहेगा और साथ में सारे अधिकारियों पे मुझे भरोसा है, समस्त कलेक्टर जो संबंधित हैं और हर प्रकार से मुझे लगता है सरकार के साथ में जनता भी सहयोग करेगी। जैसा कि आज नर्मदा सेना का, हमने पहले भी इस बात को बोला था, आज मैं घोषणा करता हूँ, नर्मदा युवा सेना का यहाँ जो गठन किया जाएगा। और आज घोषणा करते हैं कि नर्मदा के किनारे के जितने गांव हैं, नर्मदा के शहर हैं, वो सभी नर्मदा युवा सेना के नाम से सेना बनाई जाएगी। और उसका काम जो है, आज हमारे प्रवेश अग्रवाल जी को सौंपते हैं, ठीक है ना, प्रवेश अग्रवाल जी को ये पूरे काम को नर्मदा युवा सेना को देखेंगे। और नर्मदा में अवैध खनन किसी भी हद तक नहीं होने देंगे, ये आपसे वादा करते हैं, जनता जनार्दन से वादा करते हैं कि नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा और नर्मदा में कोई भी हानि नहीं होगी जिससे नर्मदा को नुकसान पहुँचे। उसके लिए आज हम लोगों ने माँ नर्मदा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इस नंबर पे ये 11 तारीख से, 11 जून से प्रारंभ होगा। आज हम आपको नंबर आपके द्वारा जनता जनार्दन को देना चाहेंगे कि यदि अवैध खनन नर्मदा का हो या नर्मदा को कोई नुकसान हो या क्षिप्रा को, मंदाकिनी को, सहायक नदियाँ को किसी भी प्रकार से नुकसान हो तो इस नंबर में आप फोन करें। 1820 106 106 ये नंबर है। माँ नर्मदा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 120 106 106। ये माँ नर्मदा हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। जब भी कोई नर्मदा में अवैध खनन होता है या किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो इस नंबर पे आप 11 तारीख से ये
शुरू हो जाएगा। आज मैंने ये नंबर जारी किया है। मैं समस्त जनता जनार्दन से भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे। मैं सभी अधिकारियों से भी, सभी राजनीति के सभी लोगों से भी कहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अब माँ नर्मदा की सेवा करने के लिए हम आप सब मिलकर के तत्पर हो जाएं और युवा वर्गों को सबसे पहले आगे आना है, जिससे हम नर्मदा को कैसे बचाएं, अद्भुत काम करना है। हमने नर्मदा का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। नर्मदा कैसी रहेगी उसकी पूर्ण तैयारी के लिए हमने ब्लूप्रिंट तैयारी करी है। हम आने वाले समय में आपको जानकारी देंगे। छिप्रा कैसी रहेगी उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। माँ मंदाकिनी कैसी रहेगी उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हम आपको बताएंगे। और वैसे ही हम इस 5 साल में नर्मदा, मंदाकिनी और छिप्रा और सहायक नदियों में हम पूरा काम करेंगे। साथ में जो सहायक नदियां हैं उस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि नर्मदा में जल पर्याप्त तब रहेगा जब नर्मदा की सहायक नदियाँ सुरक्षित रहेंगी। उस पर उसकी जो झेरें हैं जो बंद हो गई हैं, जो सहायक नदियाँ अस्त व्यस्त हैं उनको भी हम साफ करने की उसकी तैयारी करेंगे। आज चूंकि नर्मदा का आज पदभार ग्रहण, आज नर्मदा नदी न्यास का काम दिया है उसका आज हमने पदभार ग्रहण किया। मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, माननीय पीसी शर्मा जी मंत्री जी को, धर्मेश मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, जिन्होंने संतों को भरोसा जताया। आज उपस्थित हमारे सभी संत समाज और जनता जनार्दन, सभी पदाधिकारीगण अधिकारीगण सभी